खबर श्रावस्ती के इकौना से है, जहां पर अधिवक्ता ने सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाने की शिकायत तहसील दिवस में पहुंचकर की। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के चंद्रावती स्मारक रॉयल इंटर कॉलेज कंजड़वा में प्राथमिक व जूनियर कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर रास्ते में सार्वजनिक मार्ग पक्की सड़क पर आरके हॉस्पिटल के पास से थोड़ा आगे पूर्व पश्चिम सड़क पर उत्तर तरफ के बने मकान में विपक्षियों की तरफ से अवैध अतिक्रमण कर रखा गया है, तथा घर का गंदा पानी सड़क पर गिराया जाता है, जिससे आने जाने वाले बच्चों को समस्याएँ होती हैं। ऐसे में सुधीर कुमार शुक्ला एडवोकेट इकौना संयुक्त मंत्री अधिवक्ता संघ ने इकौना तहसील दिवस में पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध शिकायत कर कार्यवाही की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने मामला संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही के लिए घटना स्थल पर टीम को भेजकर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद के इकौना बाईपास का पूरा मामला। क्या नाम है? सुधीर कुमार शुक्ला एडवोकेट संघ मंत्री अधिवक्ता संघ तहसील इकौना। आपने तहसील में किस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है? एक आर के मिश्रा हॉस्पिटल के बगल, नेशनल हाईवे 730 के बगल, एक चार पांच लोग अवैध तरीके से जो है पानी निकास कर रहे थे, तो बहुत बड़ी समस्या बनी थी। एडीएम साहब को आज प्रार्थना पत्र दिया, एडीएम साहब ने संज्ञान लिया। घटनास्थल पर उधर ही उनको एक स्टाम्प कमी की जाँच करने जाना था, घटनास्थल पर पहुँचे और लेखपाल महोदय वह SHO साहब इकौना ने कस्बा इंचार्ज महोदय को मौके पर भेजा है। आशा है कि पानी से निजात मिलेगा और 500 बच्चे जो रॉयल स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको कीचड़ से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।